हम रोज रोज नया सूप पियेंगे। घर के काम काज के साथ साथ पत्नी को अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अब आप अपने काम तरीके से करके अपने लिए भी समय निकाल सकती हैं। आप बाहर कॉफी पी सकती हैं, म्यूजियम जा सकती हैं या कुछ काम भी सीख सकती हैं। आपको भी अपने समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। पर मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कैसे करूं? वेलकम बैक मॉम। हाँ, शिनचैन आ गया। तिड़क 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 तिड़क। ये सब क्या है? मेरे ये आर्ट क्लास में बनाया है। अच्छा है ना? तिबड़क 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 तिबड़क। अब क्या देख रही है? कहीं डिस्काउंट है क्या? कुछ जरूरी बातें। इसमें लिखा है कि हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और उस समय में हमें बहुत कुछ नया सीखना चाहिए। हिमावारी कुछ बोलना चाहती है। हिमावारी, मैं सब समझ गई। अब वक्त है स्नैक्स खाने का। मम, पुडिंग कहाँ पर है? हाँ, वही फ्रिज में रखी होगी बेटा। अरे नहीं, वो पुडिंग तो मैंने कल दोपहर में ही खा ली थी। आपने खा ली? माफ करना बेटा। अब मैं क्या खाऊंगा? चलो चोको चिप्स ही खा लेता हूँ। पर शिनचैन, चोको चिप्स भी नहीं है। आपकी बार ज्यादा खरीद कर ले आऊंगी। हाँ, मैं अभी डायपर बदल देती हूँ। इस तरह तो मैं अपने लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाऊंगी। बदल रही हूँ बेटा। सुनिए मॉम, अगर आपके पास ज्यादा खाली समय होता तो आप क्या करती? अभी सोचा नहीं। अरे हाँ, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मजे से किताब पढ़ते हुए कॉफी पीऊंगी। फिर मैं योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती हूँ। इससे मेरी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। आपको पड़ोस वाली आंटी के साथ ही योगा क्लासेस जाना चाहिए। तुम समझे नहीं, सबके साथ होने से ध्यान इधर उधर भटकता है और हम कुछ नया नहीं सीख पाते। इसका मतलब मेरे साथ चलने से आपका ध्यान भटकता है? आपका मतलब यही था ना? मेरा मतलब ये नहीं था शिनचैन। हाँ, अरे हिमावारी, तुम शिनचैन की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं एक हफ्ते का खाने का सामान इकट्ठा खरीद लेती हूँ, फिर अपने लिए समय निकाल पाऊंगी। मम, हम चॉकलेट चिप्स और पुडिंग पूरे एक हफ्ते के लिए लेंगे ना? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें वो भी खरीदना पड़ेगा। देखो, वो तुम्हारे स्नैक्स हैं, इसलिए घर तक तुम्हें ही लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। आप सब लोग अंदर आ सकते हैं, सेल शुरू हो गई है। अरे वाह, सेल शुरू हो गई है। अगली बार से थोड़ी कम शॉपिंग कीजिएगा मॉम। मैंने कहा तो था कि तुम अपने चॉको चिप्स थोड़े से कम ले लो। आपने भी तो सेल में बहुत कुछ खरीदा ना? क्योंकि सेल में सस्ता मिल रहा था। वैसे हम कार से आते तो ज्यादा सही रहता। आज खाने में क्या मिलने वाला है मॉम? घर चल कर देखना। वाह, क्या बात है। चलिए खाना शुरू कीजिए। चलो खाते हैं। मुझे वेजिटेबल सूप पसंद है क्योंकि ये काफी जल्दी बन जाता है। मैं कल भी यही बनाऊंगी। इससे मुझे शॉपिंग पर जाने के लिए टाइम मिल जाएगा। हाँ, मैं पड़ोस वाली आंटी के यहाँ शिनचैन और हिमावारी को छोड़ जाऊंगी। वो इनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं कि जाऊंगी कहाँ। अगले दिन। अरे तुम कभी तो टाइम से तैयार हो जाया करो शिनचैन। अरे लेकिन आपने मुझे आज लेट उठाया ना मॉम। वैसे आज आप कहाँ जाने वाली हैं बताइए। क्या, आज मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बहुत सी जगहों पर जाना चाहती हूँ। क्या आप सुबह सुबह उठ कर कहीं नहीं गई? तुम बहुत देर तक सोते रहे, इसलिए मेरा सारा का सारा प्लान बिगड़ गया। बाय बाय। शीरो 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 शीरो। अच्छा मॉम, क्या चाबी रख कर कहीं बाहर गई हैं? मॉम ने कहा था वो चाबी तुम्हारे पास छोड़कर जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाबी कहाँ रख कर गई होंगी। मैं अंदर कैसे जाऊं? ये तो यहीं पर सो रही हैं। मॉम, आप कहीं गए नहीं क्या? उठ जाओ उठ जाओ। हाय। अभी वक्त क्या हुआ है? मैं ये देख रही थी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और मुझे नींद आ गई। अब क्या करेंगी? अब तो मेरे पास कहीं जाने का समय नहीं है। आपको कहाँ जाना था?
मुझे तो आज शॉपिंग करने के लिए भी नहीं जाना था। अब मुझे रात के खाने का मेन्यू सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा या सोना पड़ेगा? आज का खाना यही है क्या? कल की तरह आज भी वेजिटेबल सूप है। अपनी सोते सोते इसके बारे में सोच लिया। ऐसा कुछ नहीं है शिनचैन, ये जल्दी बन जाता है। लेकिन तुम्हारे पास तो बहुत टाइम था। मम को जब भी खाली वक्त मिलता है वो तो सो जाती हैं, वो तो अच्छे से सो जाती हैं, इसलिए उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। अरे माफ करना, कल मैं खाने में कुछ नया बना दूंगी। मैं जो सोचती हूँ वो जरूर कर लेती हूँ। अगले दिन। चलो हिमा बारी, अब आंटी के घर चलते हैं बेटा। क्या कहा, तुम्हें मेरे साथ जाना है? नहीं बेटा, आज तो मैं कुछ देर अकेले ही रहना चाहती हूँ। अरे अरे दूध। ये बर्तनों को चमकाता है चकाचक। अरे हिमा बारी, तुमने टीवी क्यों चला दिया? अरे ये तो वही सीरियल आ रहा है, ये पहली कहानी तो मैं देख ही नहीं पाई थी। अरे आज भी तुमने सूप ही बनाया है। लेकिन ये कल से थोड़ा अलग है। मैम, आपके अलग अलग सूप एक जैसे टेस्ट वाले कैसे होते हैं, बताइए। नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, देखना कल मैं कहीं ना कहीं जरूर जाऊंगी। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा करोगी मिच्छी। आपने बिल्कुल सही कहा डैड, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। कल मैं सोच रहा था कि शिनचैन और हिमावारी को जू ले जाऊंगा मिच्छी, कैसा रहेगा? तब तुम्हें बहुत खाली वक्त मिल जाएगा, तुम जो चाहो कर सकती हो, और अगर कुछ बढ़िया खाना बनाना चाहो तो वो भी बना सकती हो, हम सबके लिए मिच्छी। क्या सच में? आप बहुत ही अच्छे हैं डैड। लेकिन कल सूप के अलावा कुछ और बनाना, ठीक है मिच्छी? ठीक है। अगले दिन। अच्छा ठीक है, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। ध्यान से जाइएगा। जरूर मिच्छी। ओके मॉम, बाय बाय। वाह, आज मैं अपने खाली समय का पूरा मजा लूंगी। पहले नजदीक वाली जगहों पर जाऊंगी। मूवी शुरू होने में तो अभी काफी समय बाकी है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है ना, इसीलिए दुकानें अभी खुली नहीं है। हाँ, ये लाइन कैसी है? आप सबको थोड़ा इंतजार करना होगा। अरे वाह, चलो लाइन में लग जाती हूँ। अच्छा तुम लाइन में लगी थी, उसके बाद क्या हुआ फिर? मूवी के बाद तो तुम सब्जी खरीदने जाने वाली थी ना मिच्छी, फिर क्या हुआ? बहुत सामान खरीद लिया था इसलिए वहाँ नहीं गई। अरे नहीं, अब तो अपने सारे समय शॉपिंग में ही गुजार देती है मॉम। नहीं ऐसा नहीं है शिनचैन, अगली बार जरूर जाऊंगी। फिर से वही बात कर रही हो तुम, क्या तुम अपना ये नया शौक छोड़ नहीं सकती हो मिच्छी? अरे हैरी, मैं नहीं छोड़ सकती। मुझे एक बार फिर से पूरे हफ्ते का सामान इकट्ठा खरीदना होगा। बेटा मेरी मदद करोगे ना? अच्छा कल हमें खाने में क्या मिलेगा? गर्म सूप। नहीं हैरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगले एक हफ्ते तक हमें सूप ही पीना पड़ा। गर 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 गर।